भाजपा महिला आघाडीकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सत्कार आज करण्यात आला। नारी सन्मान विधेयक दोन्ही सभागृहात संमत झाल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सत्कार भाजपा महिला आघाडीकडून करण्यात आलेला आहे। हमारी सरकार ने एक के बाद एक ऐसी योजनाएं बनाई हैं, ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे हमारी बहनों को सम्मान, सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि का जीवन मिले। हमने बहनों बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या को दूर करने पर भी पूरी गंभीरता से ध्यान दिया है। नारी शक्ति वंदना शब्द क्यों लाए हो? क्या इस देश की नारी को वंदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या माताओं बहनों को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं बहना चाहिए? क्या माताओं बहनों का गौरव सम्मान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? क्या हम पुरुषों को इतना अहंकार आ जाए, हमारी राजनीतिक विचारधाराओं को इतना अहंकार आ जाए कि हम नारी शक्ति की वंदना शब्द का प्रयोग करें तो भी किसी के पेट में चूहे दौड़ने लग जाए? नारी शक्ति वंदन विधेयक विधेयकाच्या नावातच पूर्णपणे स्पष्टता आहे। खरंच नारी शक्तीला वंदन करणारं असं हे महिला आरक्षणासंदर्भातलं विधेयक लोकसभेमध्ये विक्रमी बहुमताने संमत झाल्यानंतर आता राज्यसभेत सुद्धा बिनविरोध मंजूर झालंय। सुमारे 7.5 तास याच्यावर चर्चा झाली आणि हे विधेयक देशातील कोट्यावधी माता भगिनींच्या आयुष्यामध्ये प्रबळ महिला सशक्तीकरणाची आश्वासक पहाट घेऊन येणार आहे।